बड़वा से रफीक मुंडा की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश श्रमजीवी पत्रकार संघ जिला दतिया के वरिष्ठ और युवा पत्रकारों ने प्रशासन के खिलाफ अनदेखी का आरोप लगाते हुए दतिया जिले में हो रही पत्रकारों की अनदेखी और अवैधानिक झूठे मुकदमे को लेकर दतिया कलेक्टर बीएस जामोद और पुलिस अधीक्षक डी कल्याण चक्रवर्ती को ज्ञापन दिया। अपना रोष व्यक्त करते हुए और अपनी मांगों को लेकर पुराने कलेक्ट्रेट परिसर में लगभग 100 से 150 पत्रकार उपस्थित रहे। अपनी प्रमुख मांगों को रखते हुए दतिया पत्रकार संघ कलेक्टर परिसर में भवन की व्यवस्था, पत्रकारों के लिए आवंटित कॉलोनी और मनोहर कुशवाहा के ऊपर झूठा बलात्कार का आरोप लगाने वाले के खिलाफ कार्यवाही की मांगों को लेकर अपनी बात एडिशनल एसपी मंजीत सिंह चावला और अपर कलेक्टर विवेक रघुवंशी के समक्ष रखी। अपनी मांगों को लेकर तुरंत कार्यवाही कर आश्वासन की मांग की। कार्यवाही नहीं हुई तो दतिया जिले के तमाम जनप्रतिनिधि अलग अलग समस्याओं को लेकर अपना आंदोलन शुरू करेंगे। उपस्थित वरिष्ठ पत्रकार राकेश गोस्वामी, मनोज गोस्वामी, संतोष तिवारी सहित बड़ी संख्या में पत्रकार शामिल रहे। दतिया से राकेश सिंह सिसोदिया की रिपोर्ट। आदेश को अनदेखा कर बिना जांच किए प्रकरण दर्ज किए जा रहे हैं, ठीक है, जिसे रोका जाए। प्रकरण दर्ज हुए उनको जांच कर खत्म किया जाए। नंबर एक, पत्रकार सुरक्षा के नाम पर वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों से लेकर थाना स्तर तक के कर्मचारी असहयोगपूर्ण कार्रवाई करते हैं, जिसे सुधारा जाए। पुलिस विभाग द्वारा पत्रकारों के बीच संवादहीनता के कारण पत्रकारों को समाचार संकलन व प्रकाशन में परेशानी उत्पन्न हो रही है, जिसे सुधारा जाए। आज जो श्रमजीवी पत्रकार संघ ने सभी सदस्यों ने उपस्थित होकर प्रशासन को ज्ञापन सौंपा है, जिसमें कुछ जिला स्तर की उनकी समस्याएं हैं, जैसे प्रशासन और पत्रकारों के बीच सामंजस्य को लेके, उनके असुरक्षा के भाव को लेके उन्होंने चिंता व्यक्त की है। कुछ स्थान आरक्षित करने के लिए उनके कॉलोनी के संबंध में, उनकी योजनाओं जो उनके संबंध में शासन द्वारा लागू की जाती है, उनका लाभ दिलाए जाने के लिए उन्होंने अपनी मांगें ज्ञापन के माध्यम से आज प्रस्तुत की हैं। तो प्रशासन के एक प्रतिनिधि के रूप में मैंने आज उनका ज्ञापन लिया है। आज कलेक्टर महोदय ग्वालियर एक बैठक में गए हैं, उनके आते से ही जो स्थानीय स्तर से जिन मुद्दों का समाधान किया जा सकता है, उन मुद्दों पर निश्चित ही गंभीर रूप से प्रयास करके समाधान किया जाएगा। शेष जो राज्य स्तरीय उनकी जो मांगें हैं उनको शासन स्तर तक प्रेषित किया जाएगा। और कुछ उन्होंने प्रशासन और पत्रकारों के मध्य जो दूरियों की, कम्युनिकेशन गैप की जो बात की, उसके बारे में मैं उनको आश्वस्त करता हूँ कि उनकी बैठक एक निश्चित टाइम ड्यूरेशन पे लगातार प्रशासन के साथ होती रहेंगी, और प्रशासन उनको हमेशा से एक सहयोगी की भूमिका में देखता है, उनको उनसे प्रेरणा प्राप्त करता है, उनके माध्यम से उसको अपनी खामियाँ भी दिखाई देती हैं, कुछ अच्छाइयाँ भी दिखाई देती हैं, समाज को भी प्रेरणा मिलती है। तो निश्चित तौर से ऐसा बिल्कुल नहीं है कि प्रशासन उनके मध्य कोई खामियाँ हैं, यदि कहीं उनको ऐसा महसूस होता है तो उसको भी दूर करने के गंभीर प्रयास प्रशासन की तरफ से किए जाएंगे, इसके संबंध में उनको आश्वस्त किया जाता है। और शेष मुद्दों के बारे में समाधान के लिए मैं उनको आश्वस्त करता हूँ, स्थानीय स्तर पर एक बैठक के माध्यम से प्रशासन और पत्रकारों की बैठक श्रमजीवी पत्रकार संघ के साथ लेकर इन समस्याओं का निदान जल्दी किया जाए। हाँ, एक यही है जी, मैं बिजली विभाग के बारे में एक जो ज्ञापन दिया है कि उसमें जो उनके अधीक्षण यंत्री हैं उनको इनके संबंध में जानकारी दी जाएगी, आपके माध्यम से जो भी शिकायतें प्राप्त हुई हैं उनके बारे में भी उनको अवगत कराया जाए और निश्चित तौर से उन पर कार्रवाई के लिए प्रयास किए जाएंगे। मैं एक ये बात भी जनसंपर्क अधिकारी के संबंध में इस ज्ञापन में दी है कि उनको कार्य मुक्त नहीं किया गया है, जहाँ तक मुझे ज्ञात है कि उनका स्थानांतरण हो गया है, किस कारण से वो यहाँ से कार्य मुक्त नहीं हुए इसका भी मैं कार्यालय में पता करता हूँ, कलेक्टर साहब को भी इसके बारे में अवगत करा के आपको अवगत कराया।